दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोड बेयरिंग वाल के बारे में। आज की वीडियो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग से टॉपिक है लोड बेयरिंग वाल। ये लोड बेयरिंग वाल होती क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। जो मैंने क्रॉस सेक्शन बना रखा है, ये मेरी दोनों फुटिंग है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से 2 फीट 3 इंच डाउन मेरी फुटिंग है। सबसे पहले मेरी यहाँ पे सीसी है 1816 की, 9 इंच इसकी थिकनेस है, 3 फिट इसकी विड्थ है। इसकी चौड़ाई 3 फिट है, इसकी भी चौड़ाई 3 फिट है। और जो मेरे पहला 6 इंच हाइट तक जो मेरा ब्रिक वर्क है उसकी विड्थ 27 इंच है। फिर आगे 6 इंच हाइट तक जो मेरा ब्रिक वर्क है उसकी विड्थ 22.5 इंच है। आगे जो मेरा 3 इंच का ब्रिक वर्क है एक रदे का, वो मेरा 18 इंच का है। फिर एक रदे का ब्रिक वर्क है वो मेरा 13.5 इंच है ग्राउंड लेवल तक। ग्राउंड लेवल से जो स्लैब तक जो मेरा ब्रिक वर्क जा रहा है वो मेरा जा रहा है 9 इंच का, मतलब ब्रिक वर्क की थिकनेस 9 इंच रहेगी चौड़ाई उसकी। ग्राउंड लेवल से 1.5 फीट ऊपर प्लिंथ लेवल है। अब प्लिंथ लेवल क्यों दिया जाता है, जब ग्राउंड लेवल पे आपका पानी आता है तो ये ब्रिक वर्क आपका पानी खींचेगा, वो पानी ये खींच के ऊपर वाल में जाता है। ये डीपीसी इस पानी को इससे ऊपर नहीं जाने देता प्लिंथ लेवल से, तो इसलिए यहाँ दोनों तरफ डीपीसी करी जाती है। कई बार इस पे बिटमन का कोट भी डाला जाता है विजिटेन का। और ये मेरी स्लैब है 5 इंच की। प्लिंथ लेवल से जो मेरा स्लैब का बॉटम है वो 10 फिट हाइट पे है, स्लैब की थिकनेस 5 इंच है। अब इसको लोड बेयरिंग वाल क्यों बोला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। लोड बेयरिंग वाल, ए वेयरिंग वाल आल्सो कॉल्ड लोड बेयरिंग वाल और स्ट्रक्चरल वाल। दिस वाल वेयर्स द वेट ऑफ द हाउस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका कहने का मतलब ये है कि इस वाल को हम लोड बेयरिंग वाल भी बोलते हैं और स्ट्रक्चरल वाल भी बोलते हैं। ये वाल पूरे घर का टॉप से लेकर बॉटम तक का लोड अपने ऊपर लेती है और फाउंडेशन में ट्रांसफर करती है। ये जो वाल है इसको इसीलिए लोड बेयरिंग वाल बोला जाता है क्योंकि ये डेड लोड भी लेती है, चाहे स्लैब का हो, चाहे आपका पानी वाली टंकी का हो, कोई भी आपके ऊपर लोड पड़ा है, मटेरियल पड़ा है, ये सारे मटेरियल का लोड अपने ऊपर लेती है। दूसरा, ये लाइव लोड भी अपने ऊपर लेती है, कोई आदमी आ रहा है जा रहा है। तीसरा, सिस्मिक लोड भी ये अपने ऊपर लेती है, कोई भूकंप आ रहा है, हलचल मच रही है, उसका लोड अपने ऊपर लेती है। विंड लोड अपने ऊपर लेती है, हवा का प्रेशर, हवा का दबाव जो आता है, ये वाल उसका भी लोड अपने ऊपर लेती है। मतलब ये सारे लोड अपने ऊपर लेती है, पूरे स्ट्रक्चर का लोड अपने ऊपर लेती है, इसलिए इसको लोड बेयरिंग वाल बोला जाता है। एक पॉइंट इसमें और बताता हूँ, अगर आप इस 9 इंच की वाल को यहाँ से सीधा उठा देते, मतलब यहीं से सीधा 9 इंच ऊपर तक उठा देते तो ही आपकी लोड बेयरिंग वाल नहीं कहलाएगी। ये जो आपके ऑफसेट दिए हुए हैं ये यही लोड बेयरिंग का आपका काम करते हैं। अगर आप इसमें ऑफसेट नहीं दोगे, सीधा आपके यहाँ से 9 इंच उठा दोगे इधर से भी, तो आपका ये लोड बेयरिंग वाल नहीं बनेगी, ये आपका लोड नहीं लेगी। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बता दूँ, ये जो लोड बेयरिंग वाल का अगर आप घर बनाते हो, ये घर आपका बहुत लंबा चलेगा, लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन है। पहला ये आपको एक अच्छा मटेरियल यूज़ करना है इसमें, पहला अच्छा मटेरियल यूज़ करना है। दूसरा, इसका जो है आपको गुड नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि इसको बनाने का सही तरीका क्या है, वाल देने का सही तरीका क्या है, आपको सही तरीका पता होना चाहिए। और एक अच्छा मटेरियल होना चाहिए, अच्छा सीमेंट हो गया, अच्छा रेत हो गया, अच्छी ब्रिक्स होगी। ये दोनों चीज़ों अगर आपके पास है, अगर आप ब्रिक वर्क का भी लोड बेयरिंग घर बनाते हो तो आपका ये घर 100 साल तक चलेगा। पुराने समय में आपने देखा होगा राजा महाराजा के महल बने हुए हैं, उसमें कौन से बीम डले हैं, कौन से उसमें कॉलम डले हैं, वो आज तक भी खड़े हैं 100 साल की। अगर आप ब्रिक वर्क के लिए आपकी ये सोच है कि ब्रिक वर्क में स्ट्रेंथ नहीं है, ये लोड बेयरिंग नहीं है, ये आपकी सोच गलत है। अगर आप ब्रिक वर्क का लोड बेयरिंग घर बनाते हो तो इसकी लाइफ भी 100 साल जाएगी, लेकिन किस कंडीशन में, आपको गुड मटेरियल यूज़ करना है, अच्छी ब्रिक,
अच्छा सीमेंट, अच्छा रेत, और दूसरा ये जो वाल देने का सही तरीका क्या है, आपको सही तरीका वाल देने का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे आपकी सोयल है, सोयल में कंबैक्शन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको घर की क्वांटिटी कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये पीसीसी है, 3 फुट चौड़ा है, 9 इंच ऊपर है पीसीसी। जो मेरी ये दीवार है, दीवार की जो मेरी ऐसे लंबाई है, मतलब ऐसे जब ऐसे ऐसे लंबाई इसकी 10 फीट है। ठीक है, तो 10 फीट के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, 10 फीट चौड़ाई है, 3 फीट और मेरी हाइट है 9 इंच। अब 9 इंच को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 9 / 12 करना पड़ेगा, तो आपको फिट में चेंज करना पड़ेगा, आपका आ जाएगा 75। 9 को आप 12 इंच से डिवाइड कर दोगे, आपका 75, ये मेरा फिट में आ गया। हमेशा इंच को पहले फिट में चेंज कर लो, तो 10 × 3 × 75, ये मेरा सारा फिट आ गया। इसको आप गुणा कर दोगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आ जाएगा 22.5 CFT। एक फुटिंग का निकाल के बता रहा हूँ, दूसरा आप खुद निकाल लेना। मतलब ये जो मेरी पीसीसी आई है, सीसी आई है, ये मेरी 22.5 CFT में मटेरियल लगेगा। हम बात कर लेते हैं इसकी ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कैसे निकालनी है। देखिए, ये जो मेरा 6 इंच हाइट तक का है, पहले आपको ये वाला निकालना पड़ेगा। पहले हम ये निकालते हैं, 27 इंच ब्रिथ वाला, 6 इंच हाइट वाला। ब्रिक वर्क इसको मैं एक नंबर पॉइंट दे देता हूँ, 10 फिट है मेरा, 2 फिट, 27 के आपके कितने, 27 इंच के आपके कितना बना, 2 फिट 3 इंच बना, तो 2 फिट का ऐसे लिख लिया, तो मैं 3 इंच को अगर मैं फिट में चेंज करूँगा तो मेरा आ जाएगा 25। 3 इंच को मैंने फिट में चेंज कर दिया तो 25 आ गया, और 6 इंच को मैं फिट में चेंज करूँगा तो मेरा आ जाएगा 0.5। इन तीनों को आप गुना कर दोगे तो आपका आ जाएगा 11.25 CFT। मतलब ये मेरा यहाँ से लेकर ये वाला दो रदे, जो मेरे दो रदे लगे हुए हैं 27 इंच चौड़ाई में, 11.25 CFT ब्रिक वर्क निकला है। अब दूसरा निकाल लेते हैं हम, ये वाला 22.5 इंच ब्रिथ है, हाइट है 6 इंच। 22.5 इंच को मैं फिट में चेंज कर देता हूँ, पहले 10 इंच, 22.5 इंच में कितने फिट बन गए मेरे, बन गए 1 फिट 11 इंच बन गया। ठीक है, 1 फिट 11 8, 1 फिट 10.5 इंच बनते हैं, आप 11 इंच लेकर चलो, तो मैं 11 इंच को फिट में चेंज कर दूंगा, 92 आ गया मेरा, मल्टीप्लाई 5। ये 6 इंच को मैंने फिट में चेंज कर दिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा 9.6 CFT। मतलब इसकी क्वांटिटी आपकी आई है 9.6 CFT। अब निकालनी है आपको इसकी एक रदे की, 18 इंच है, 3 इंच हाइट है, 10 फिट लेंथ है, 18 इंच यानी कि 1 फिट 1.5 फिट बन गया, तो 1 फिट मैंने लिख लिया, जो मेरा 6 इंच है उसको मैं फिट में चेंज कर दूंगा, 6 इंच का मेरा कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक है, 18 इंच है तो 18 इंच का 1.5 फिट बना, 1 फिट मैंने लिख लिया, 6 इंच का मैंने 75 कर दिया, और मेरी ये 3 है, 3 इंच है तो 3/12, तो 3 का मेरा 0.25 बन गया, ये मेरा फिट निकलाया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 10 × 1.75 × 0.25, 4.37, ये मेरा इसका CFT बन गया। अब ऐसे ही आपको इसका निकाल लो 13.5 इंच का, तो 13.5 इंच का यानी कि मेरा 1 फिट 1.5 इंच बनता है, तो मैं 1 फिट 2 इंच लेकर चलता हूँ, 10 फिट लेंथ होगी, 1 फिट 2 इंच को मैं चेंज करूँगा फिट में, तो 2 इंच का मेरा आ जाएगा 16 × 0.25, ये 0.25 क्या है, 3 इंच को फिट में चेंज किया तो मेरा 0.25 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करो तो मेरा आ जाएगा
पॉइंट, अब करके देख लेते हैं एक बार, 10 × 1.16 × 0.25 2.9 CFT, मतलब इसका मेरा 2.9 CFT आ गया। ठीक है, अब यहाँ से लेकर ये वाल की हाइट कितनी है, 10 फीट मेरी ये है, 1.5 फीट ये है, यानी कि 11, 11.5 फीट है। तो पांच नंबर, 10 फीट इसकी लेंथ होगी, अब लंबाई 10 फीट होगी, इसकी चौड़ाई कितनी है ये वाली, ये मेरी 9 इंच है, 9 इंच को फीट में चेंज करो, 9 / 12 0.75 आ गया, तो यहाँ मैं 0.75 लिखूँगा, इसको गलती से लिख दिया मैंने, ये 11.6 आएगा, यहाँ पे 87 आ गया। ठीक है, ये दोस्तों गलत हो गया ये वाला, थोड़ा सा इसका दोबारा से लिखते हैं। पांचवा पॉइंट है, 10 फीट मेरी बाल की लेंथ होगी, 9 इंच, 9 / 12 0.75 × 11 फुट 6 × 12 0.5, ये ऐसे इतना आएगा, ये 10 × 0.75 × 86.85 है, 86.25, ये ऐसे आएगा, वो मेरे से गलती से हो गया था ये। अभी क्या करना, आपको ये सारे को जोड़ देना, सारे को जोड़ के मैं आपको बता भी देता हूँ। एक सौ 114.37, ये सबको जोड़ के मेरा आया 114.37 CFT। ठीक है, अब ये आ गया, अब इसमें ईंटें कितनी लगेंगी, मेरी लगती हैं, एक CFT में 40 नंबर ईंट लगती है, तो ये मेरा कितना आया, 114.37, 114.37 मल्टीप्लाई 14, सोलह सौ एक। ठीक है, मतलब मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दीवार में, एक वाल में जिसकी लेंथ 10 फीट है, उसमें लगेगी 1601 ब्रिक्स। एक दीवार की ब्रिक्स निकलाई, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दोगे, 16 × 2 = 3200, यानी कि ये दोनों दीवारों को मिला के मेरा 3200 ब्रिक्स लग जाएगी। ठीक है, तो लोड बेरिंग वाल का समझ आ गया आपको, इसको लोड बेरिंग वाल क्यों बोला जाता है, इसकी ब्रिक वर्क की क्वांटिटी और इसकी जो पीसी की क्वांटिटी कैसे निकालनी है, वो मैंने सारा आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।